रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवोदय स्कूल में डेयरी विकास विभाग ने आयोजित दुग्ध प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने प्रदेश के 1,13,000 दुग्ध उत्पादक परिवारों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 22 करोड़ रुपयों की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की। उन्होंने और दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ 3 दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि देने के साथ ही सम्मानित किया। इसके साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि दुग्ध उत्पादकों को समितियों के माध्यम से 25% अनुदान दिया जा रहा है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। किसान हों चाहे दुग्ध उत्पादक हों, फलों के क्षेत्र में काम करने वाले हों, बागवानी के क्षेत्र में काम करने वाले हों, उनको हम लोग हर प्रकार से प्रोत्साहन की इनकी योजना बना रहे हैं और साथ ही साथ जो उनका उत्पाद है उस उत्पाद को ठीक से बाजार मिले, ठीक से उनका उनको मार्केट मिले, मार्केट तक जाने की व्यवस्था मिले, उसके संवर्धन का, प्रोसेसिंग का, सारे सेक्टरों में हम लोग काम कर रहे हैं।